इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको यहाँ पर एक्टिव एंटरप्राइजेस मोड दिखता है, यहाँ पर हमें कोड डालना पड़ता है। तो ये बेसिकली कोड हमें कहाँ से मिलता है इसके बारे में हम बात करेंगे। तो फॉर एग्जांपल मैं मान के चलता हूँ कि कुछ लोग यहाँ पर इसे सैमसंग के फीचर की तरह समझते हैं, जैसे कि स्मार्ट ट्यूटर होता है। तो मैं आपको यहाँ पर सिंपल भाषा में आपको बता दूँ कि ये ऐसा फीचर बिल्कुल भी नहीं है। ये जो है आपको सुपरवाइज़र या फिर जो टीम होती है उनके पास ज़्यादातर जो होता है ये कोड या लाइसेंस कोड मिलता है। अब मैं आपको डिटेल्स में आपको बता दूँ जिससे कि आपको यहाँ पर समझ में आ जाए। देखिए ये इंटरप्राइजेस मोड का जो है होम पेज है। अब ये जो है ज़्यादातर जो यूज़ की जाती है ये चाइना में ज़्यादातर इसका यूज़ किया जाता है। और जो इंटरप्राइजेस जो कॉरपोरेटेड वेबसाइटें रहती हैं उन पर ये ज़्यादा मिलता है। अब कोई स्टाफ का बंदा देता है उनका, तो ज़्यादातर उनको ही यहाँ पर ये कॉरपोरेट मोड जो कॉरपोरेट कोड है या लाइसेंस उसके बारे में पता होता है, तो वही उस कॉरपोरेट कोड को या फिर उस सर्विस को इनेबल कर देता है। ठीक है, और वैसे यहाँ पर इंडिया में ज़्यादा जो है अभी अवेलेबल नहीं है इसकी सर्विसेज वगैरह, बट ये जो कॉरपोरेट एंटरप्राइजेज रहती हैं उनके लिए है। और इस फीचर का आपके एक नॉर्मल पर्सन के लिए कोई भी काम नहीं है, जैसे कि मतलब आप मान के चलिए कि इंडिया में, तो इंडिया में इसकी कोई खास ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ये ज़्यादातर जो अलग अलग कंपनीज़ होती हैं जैसे चाइना की कुछ सर्विसेज वेबसाइट होती हैं तो उनके लिए यहाँ पर ये एलिजिबिलिटी होती है इसमें। तो अगर नॉर्मली आप लिखाना चाहेंगे तो वो आपको कोड नहीं मिलेगा, क्योंकि स्मार्ट ट्यूटर में लोग समझते हैं कि सर्विसेज होती हैं वो आपकी जो है कंडीशंस को फॉलो करके आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। वो सर्विस सेंटर वालों की जो है एप्लीकेशंस रहती हैं या फिर सर्विसेज रहती हैं, बट इसका यहाँ पर कोई काम नहीं है इंडिया में, तो खास करके इसका कोई काम नहीं है। तो ना भी होए तो भी इसका कुछ फ़ायदा नहीं है। एंड बाकी यहाँ पर आप जो है अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, कुछ और क्वायरी हो आपकी तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आगे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।